नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी सेवन और अब हम आ पहुंचे हैं गांव बड़ी ढाबी में। तो बड़ी ढाबी के कुछ गणमान्य व्यक्ति मेरे सामने हैं, इनसे बात करते हैं जो फिलहाल चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्मा गर्मी पर है। सबसे पहले ताऊ जी, आपका शुभ नाम? ताराचंद। ताराचंद जी, कौन कौन खड़े अपने एरिया में? अपना नाम धोलाराम जी है, बलवान सिंह दौलतपुरिया, सुनैना, कमल विश्ला, सुभाष गोरचिया और धोलाराम। धोलाराम, तो कौन से का दबदबा लग रहा है आपको? जी मारा तो गरीब आदमी जनता में, गांव 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 का ही माहौल बता सकते हैं जी हम? हाँ जी, गांव का क्या माहौल कह रहे हैं? गांव का माहौल जी हमारा तो थोड़ा लगे 15-20, धोलाराम जी का अच्छा माहौल। सब धोलाराम के पक्ष में। तो फिर बलवान सिंह दौलतपुरिया से, गोरचिया से, सुनैना से कोई उम्मीद नहीं? जेजेपी का कोई ना, 100-200 लगा दीजिए वोट काट। कितने वोट है टोटल अपने गांव में? 3,480। कितने पोल हो उसके? 3,000 पोल होते 3,480 में से 3,000 पोल हो जाएंगे। सरपंची में कितने हुए? सरपंची में 2,980। अच्छा, 2,980। बढ़िया पोलिंग आपके गांव में। आप बोल रहे हो 200 वोट आता है ढूंढ ने जिता के काटा डाबी गांव के भारतीय। अच्छा, 200 वोटों जिता के काटोगे आप? सारे एक तरफा ही वोट? हाँ बिल्कुल, एक लिए गांव एक तरफा। कुमार गांव है जी, नहीं है एक तरफा कहां है? एक तरफा नहीं है जी, धानक समाज ना जी, एक तरफा को नहीं है। धानक है, नायक है, कुमार है, धानक समाज, धानक समाज और समाज समाज को नायक समाज, नाई समाज वो एक तरफा धुड़ा का नहीं है। मतलब धोड़ा राम का ज्यादा झुकाव। हाँ, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा जी? दूसरे अब सुनैना चौटाला। सुनैना चौटाला। हाँ। और तीसरे पर परिवार से होंगे, सुनैना है, झूठ कहना क्या फायदा, हम पीपल नीचे खड़े हैं जी, झूठ नहीं बोलते। तो आपके हिसाब के अलग है? मैं तो बलवान सिंह का हूँ जी। बलवान सिंह है आप? तो आप देखो जी, जो चीज है आपने गांव का के माहौल लग गया। हमारे गांव में जी कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर? हाँ। ना कौन जी? नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो सुनता हूँ, ये जो धनक समाज बैठे सारा। अच्छा जी, यो सियाग हमने तो 75 साल से अब इसी में दिए। इनोलो छोड़ दीजिए, क्यों छोड़? इसका भाई खुद इनोलो छोड़ देगा। पहली बार वोट इनोलो तो खड़े हैं, छोड़ो छोड़ो चलो जी, वोट देना आपका अधिकार है। लाइव चल रहा है सदा, कहते तू 50 आदमी इकट्ठे कर, एक मिनट वो जो चीज है वो सामने आ जाएगी। 5 तारीख दूर नहीं है, नजदीक है, बहुत नजदीक है। और जो हमारे भाई साहब मेरी बात सुनते हैं, लड़के लगे नहीं, बीजेपी सरकार में लगे, बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा लगे। हमारे गाँव में कम से कम 50 सौ लग रही है समाज में, 300 सौ लग रही है, हमारे वो भी लगी है जी। तो फिर जब भी सरकार में लगी होगी तो फिर तो उसका नंबर अच्छे थे जी, तो नंबर अच्छे सरकार में है। चलो पढ़ ले कौन दिया नंबर, नहीं कांग्रेस सरकार में नहीं, हमारे छोरे लगे नहीं, कौन लगे बिना पीछे नहीं, कोई को लग गया ये हमारा बीजेपी लग गए नहीं छोरे, एक एक नौकरी छोड़ के दो दो नौकरी लग ला रही, मेरा छोरा दूसरी नौकरी, दूसरी नौकरी छोरा पकड़ी थी, सारे भाई हमें इकट्ठे धानक समाज, हमारे 613 वोट थोड़ा लग रहा है। अच्छा हाँ, ये भाई अपना धानक समाज गए, इसका थोड़ा लग गया 800 वोट तो जी कुमारांगे, ठीक है, लोटे 650 हमारे वोट है, 650 हमारे सारे सारे धोलाराम नायका 213 वोट वे सारे नहीं है, जितने वोट है 222 धोलाराम जो है तीसरे नंबर पे दिखा रहे हो, ये पहले नंबर पे दिखा रहे हो, आज ही नंबर पे बता रहे हैं। आज ये गदड़ी प्रोग्राम है, गदड़ी प्रोग्राम आज सब जाएंगे, सब काम खोटी कर रखे प्रोग्राम है बढ़िया, आपने देखा ढाबी बड़ी का माहौल कैसा है। गांव के लोगों का कहना है कि धोलाराम जो है 200 से 250 वोटों से जो है जीत कर निकलेगा इस गांव से। और ये भाई साहब है जो कह रहे हैं कि देखो सभी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हर एक बंदे के मन में अपनी पार्टी होती है,
तो हर अपनी पार्टी का बोलेगा, लेकिन गाँव के जो निष्कर्ष निकला यहाँ पर जो हमने पूछा लोगों से, तो ऐसे लग रहा है कि दूड़ा राम जो है 200 से 250 वोटों से लीड ले रहा है ढाबी बड़ी से। हाँ, ले रहे तो फिलहाल ढाबी गांव का आपको हमने दिखा दिया और आगे भी ऐसे ऐसे हम आपको दिखाते चलेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर और सभी गांवों की जो है डिटेल हम डालते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। JBC सेवन न्यूज़ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।